हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आम पापड़। आम पापड़ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो आइए आम पापड़ बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे आम पापड़। आम पापड़ बनाने के लिए मैंने 1 किलो पके हुए आम लिए हैं, 1/4 कप मैंने चीनी ली है। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते। मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है, आधा चम्मच मैंने इलायची पाउडर लिया। सबसे पहले हम आम को छील लेंगे, इनका छिलका हटा लेंगे। देखिए, हमने आम को छील लिया, इसी तरह से हम बाकी बचे हुए आम भी छील लेंगे। हमने सभी आम छील लिया, अब इनका हम पल्प निकाल लेंगे। देखिए, हमने आम का पल्प निकाल लिया है, इनको हमने छोटे छोटे पीसेज में काट लिया। अब इनका हम पेस्ट बना लेंगे, सजा लेंगे, इसमें डाल देंगे। अब हम जार का ढक्कन बंद करेंगे, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें आम का कोई भी टुकड़ा न रहे, हमें स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार करना है। गैस ऑन कर लेंगे, अब हम इस पेस्ट को कढ़ाई में डाल देंगे। हम पेस्ट बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि हमें इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। देखिए, इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुकी है, इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। इसको थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है, ये पककर तैयार है। इसको थोड़ी सी देर के लिए और पकाएंगे बस। देखिए, पककर तैयार है, गैस को बंद कर देंगे। अब हम थाली ले लेंगे और थाली पर ऐसे घी लगा कर चिकना कर लेंगे। मैंने थालियों को ग्रीस कर लिया है। अब हम पल्प को ऐसे प्लेट में डाल देंगे, इसको ऐसे फैला लेंगे। देखिए, मैंने पेस्ट को ऐसे 2 थालियों में फैला लिया। अब इसको हम 2 दिन के लिए धूप में सुखा लेंगे। देखिए, हमने आम पापड़ को सुखा लिया है, हमारे आम पापड़ सूख कर तैयार है। अब हम इनको चाकू की सहायता ऐसे किनारों से हटा लेंगे। देखिए, इसको धीरे धीरे ऐसे प्लेट से अलग कर लेंगे। देखिए, हमने दोनों प्लेट से आम पापड़ को ऐसे अलग कर लिया है। अब हम इनको कट कर लेंगे। आम पापड़ को 2 से 3 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए रख दें। आम पापड़ को 2 से 3 दिन के लिए धूप में सुखा ले। धूप चले जाने के बाद हम इनको शाम को किचन या रूम में रख सकते हैं। इन पर जाली या कपड़े से ढक दें। करते टाइम ये देख ले कि अगर आपको पापड़ गीला लगे तो इसको फिर से सुखा ले। देखिए, हमने इसको ऐसे टुकड़ों में काट लिया है। आप इसको अपने मनपसंद के हिसाब से किसी भी शेप में काट सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। देखिए, 1 प्लेट के आम पापड़ को मैंने ऐसे टुकड़ों में कट कर लिया और एक प्लेट के आम पापड़ को हमने ऐसे रोल कर लिया। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका बेस्ट चैनल को बेल आइकन को भी क्लिक करें हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए।